آندھرا پردیش میں اقلیتی بہبود کے وزیر ایم ڈی فاروق نے کہا ہے کہ ریاست میں اقلیتوں کی فلاح کی بنیاد این ٹی آر دور میں رکھی گئی تھی اور وہ وجے واڑا میں مسلم حکولا پوراٹا سمیتی کے زیر اہتمام منعقدہ اجلاس میں مہمان خصوصی تھے۔ تنظیم کے صدر فاروق شبلی نے اس جلسے کی سربراہی کی اور ریاستی وزیر فاروق جنہوں نے اس پروگرام میں بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کی ان کا کہنا تھا کہ تلگو دیشم پارٹی نے اول دن سے اقلیتوں کی بہتری کے لیے کام کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس اور وائی سی پی نے اقلیتوں کو صرف ووٹوں کے لیے استعمال کیا لیکن وہ ٹی ڈی پی ہی تھی جس نے مسلمانوں کو ریزرویشن دینے کی تجویز دی۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو درپیش کسی بھی مسئلے کا حل نکالنے ٹی ڈی پی حکومت آگے رہے گی۔ ایم ڈی فاروق کا کہنا تھا کہ اردو یونیورسٹی کی تعمیر اور فلاحی اسکیمیں ٹی ڈی پی نے ہی لائی تھی اور اس پروگرام میں ایم ایل اے بڈے پرساد، سجنا چودھری، سابق پولیس افسر اے بی وینکٹیشور راؤ، ٹی ڈی پی پولیٹ بیورو کے رکن ٹی ڈی جناردھن، مسلم حکولا پراٹا سمیتی کے جنرل سیکرٹری مولانا حسین بھی شریک تھے۔ ఇప్పుడు ఖురాన్ అయినా బైబిల్ అయినా గీత అయినా మనకు చెప్పేది మంచి మార్గంలో నడుచుకోమని చెప్తా ఉంది। మతం అనేది ఎవరి నమ్మకం వాళ్ళకి, ఆ నమ్మకం ప్రకారం చేసుకోవాలి, నీతి నియమంగా చేసుకోవాలి। కుల మతాలకు అతీతంగా డెఫినెట్గా మనం బాయి బాయి అనుకొని పనిచేసుకుంటూ వెళితే భారత్ మాత అయితే అందరికి ఒకటే కదా। ఈ భారతదేశంలో జన్మించిన ప్రతి ఒక్కరి హక్కు అది। భారతదేశం మన భారత రాజ్యాంగం మనకి ఎన్నో హక్కులు కల్పించింది, అందరికి ఒకటే కదా। ముసల్మాన్ పడికేళ్ళు కానీ ఇక లాకు రకీ ఆఫీసరకు మన మక్సద్ కేత కైకులేక ఎన్టీ రామారావు సాహెబ్ మై కైకులేక మెహనత్ కరే కైకుస్తే ముసల్మాన్కి బెహూతి పడానా ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ లాగానే ఉంది కదా, పరిపుష్టి తీస్తే కదా ఎట్లా బాగుపడాలి జాతకు। దానికోసం ఎంతో కష్టపడ్డాం, మైనార్టీ ఫైన్ కార్డు చూస్తే అందరు పిలిచాం, అన్ని పార్టీలు పిలిచాం, మధ్యస్థ పార్టీలు పిలిచాం, అందరు పిలిచాం, అందరు వచ్చినారు దాన్ని ఇనాగ్రేట్ కరే जबरदस्त आज आज ये नौबत का है। देखिए गवर्नमेंट कभी भी जो है बदल सकती है, ये हुकूमत हो सकती है या दूसरी हुकूमत, लेकिन इश्यूज को किस तरीके से रिएक्ट करना और उस इश्यूज को किस तरीके से इंसाफ करना वो चीफ का जो है पैमाना माशाल्लाह हमारे बड़ी हस्ती जनाब एनएमडी फारूक साहब ने जो कर दिखाया है वाकई में उसके बारे में आपके सामने बोलना जरूरी है। अब्दुल सलाम वही पूरे अपने अहले खाना के साथ जाकर जो है वही रेलवे स्टेशन के अंदर वही क्या बोलते हैं पुलिसों का जो मजालिम हुआ था उसके अंदर, तो उसकी वजह से वो जाके खुदकुशी करा। जस्ट परसों जो एक दो हफ्तों के नीचे जो है एक वाकया पेश आया था अनंतपुर के अंदर, अब्दुल्ला नामी एक शख्स जिसके अंदर जो है पुलिस वाले जो थोड़ा बहुत ज्यादा ओवर एक्शन करने की वजह से वो बंदा भी जो है जाकर खुदकुशी कर लिया। खुदकुशी करना नहीं चाहिए, हम हमेशा से कहते हैं कि भाई आप लोग जो है खुदकुशी करना अल्लाह ताला जो है उसको हराम करार दिया, लेकिन बावजूद उसके जो है थोड़ा जल्द मिजाजी की वजह से कर लेते हैं। लेकिन वो होने के फौरन बाद विद इन 24 आवर्स के अंदर जो है आपकी जो नारा चंद्रबाबू नायडू साहब की क्यादत में इमीडिएट जो है बाबू साहब जो है आप डीजीपी साहब को और फारूक साहब को अलर्ट करते हैं और फारूक साहब इमीडिएट एक्शन में आते हैं और वहां के एसपी साहबा को और वहां के डीजीपी साहब को यहां के डीजीपी साहब को अलर्ट करते हैं। फौरन जो लोग भी उस वक्त रात भर वहां पर मौजूद थे उन सब के सब को जो है सस्पेंड कर दिया जाता है और फौरन जो है जो अहले खाना है उनकी बीवी नसीमा और उनके दो छोटे छोटे मासूम बच्चे, इन दोनों बच्चों को जो है हुकूमत आंध्र प्रदेश की जानिब से फ्री में तालीम और उसी के साथ साथ जो है जो नसीमा जो लड़की है जो उनकी अहलिया है जिस सिर्फ और सिर्फ 29 साल की है उसको सिर्फ 2 लाख या 3 लाख या 5 लाख देकर खत्म नहीं किया। जो बाबू साहब की जो विजनरी है उसी विजनरी तरीके के साथ जो है जनाब एनएमडी फारूक साहब ने उसको जो है वहां पर अनंतपुर में जो माइनॉरिटीज हॉस्टल है उसके अंदर उनको गवर्नमेंट जॉब दे दी। ये होता है इंसाफ करना। इंसाफ करने का मतलब क्या है, इंसाफ कायम करने का मतलब क्या है, ये यहां पर इस तरीके से हुआ। इस चीज के लिए जो है मैं दिल की गहराइयों से तेलुगुदेशम पार्टी का, नारा चंद्रबाबू नायडू साहब का और जनाब एनएमडी फारूक साहब का शुक्रिया अदा करते हुए